अस्पतालों में ना दवाइयां हैं ना ही एम्बुलेंस। मुराद अली शाह ने पूरे सिंध को खंडर बना दिया। कहते हैं सेहत का बजट बढ़ा दिया लेकिन कुत्ते के काटे की वैक्सीन तक नहीं मिलती। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की साईं सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद। बोले वजीर आला कहते हैं कि के फोर मनसूबा वजीर आजम ने बंद करा दिया। मनसूबे पर आधे फंड विफाक और आधे सिंध ने देने हैं। कराची के 3 अस्पताल विफाक के जेर इंतजाम हैं। हमें कहते हैं कि अस्पतालों पर जो पैसा खर्च हुआ वो वापस दें। क्या इन अस्पतालों में जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पैसा लगा है? सिंध गवर्नमेंट ने रुकवा दिया जबकि K4 बनना चाहिए। K4 ठीक प्रोजेक्ट था। गुज़िश्ता 4 महीने से जब उसकी नेस्पाक की रिपोर्ट आई, उसके बाद टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई, और अब शायद 75 अरब के अंदर K4 तैयार हो सकता है। और आधे पैसे वफाक ने देने हैं, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं। कराची प्यासे कराची को, जिसको इन्होंने करबला बना दिया है, प्यासा कर दिया है, उससे प्यास बुझाने के लिए K4 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जरूरी प्रोजेक्ट है। 4 महीने से आपकी कैबिनेट की मुंतजिर है वो रिपोर्ट कि कैबिनेट फैसला करे कि इस प्यासे कराची वालों को पानी कैसे देना है। शर्म बड़ा, इस दफा हर तकरीर में कहते थे शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो।